होली मुबारक सभी को मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आज मैं अपना लोगो लॉन्च कर रही हूँ होली के शुभ अवसर पर। आप लोग सभी ने देखा होगा फेसबुक पर लोगों की पिक्चर। मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसे हमने सबसे पहले तो एक आपको एक पेड़ दिख रहा होगा जिसे हम ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, यानी जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष क्या कहता है हमें? जीवन का वृक्ष हमें ये कहता है कि हमें हमेशा प्रकृति से जुड़े हुए रहना चाहिए। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, उसी के साथ ही हमारा जीवन चलता है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक। उसके बाद आप एक सर्कल देख सकते हैं जिसे हम सर्कल ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। सर्कल ऑफ लाइफ इसे कहते हैं कि हम जैसे कहते हैं कि हमेशा हमें एक गोलाकार होता है, हमारी ज़िंदगी भी हमेशा एक सर्कल से दूसरे सर्कल तक चलती चलती है। यानी कि जहाँ से हम आए हैं वहीं हमें वापस जाना है, तो ये सर्कल उसे दर्शाता है। थर्ड थिंग है जो आप ये एक हरा कलर देख रहे हैं, हरा कलर हमें ये सिखाता है कि संपन्नता होता है। हरा कलर का मतलब हमेशा हरे कलर को अपने आजू बाजू में कहीं ना कहीं अपने साथ रखना चाहिए, जिसे हम प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं, जो हमें काम में मदद करेगा। और प्लस ये भी बात है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीनरी यानी कि वंस अगेन प्रकृति। तो प्रकृति ये होती है कि जब हमें ग्रीनरी है यानी कि हमें ग्रोथ भी सिखाती है। दूसरा मतलब इसका ये भी है कि हमें ग्रो करना करते रहना चाहिए हर चीज़ में, हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, कोई भी रिलेशनशिप में हैं हम तो भी हमें ग्रो करना चाहिए। जब हम ग्रो करते रहेंगे तो हमें उसका हमेशा उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, जो हमारा उसका वो क्या बोलते हैं कि हम हमेशा कुछ प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वही जीवन का सत्य है और वही जीवन में हमारा कर्म भी है, हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा आप एक पर्पल कलर या बैंगनी कलर देख सकते हो जिसे हम स्पिरिचुअलिटी में भी हम मानते हैं, जैसे आध्यात्म की ओर हम ये मानते हैं कि वो नीले रंग से भी जुड़ा हुआ है और नीले और लाल रंग से मिलके बनता है ये बैंगनी रंग, जिसे हम ये मानते हैं कि ये दो दुनिया से जुड़ा हुआ कलर होता है हमेशा। तो जैसे मैं जो काम करती हूँ उसे मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ी हुई हूँ, तो ये बैंगनी कलर मेरे जीवन में बहुत महत्व रखता है और इसीलिए मेरे लोगों पर ये कलर है, जिसे हम ये मानते हैं ऑल्सो कि ये रॉयल्टी का भी कलर होता है एक। तो इसका ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हम रॉयल्टी को भी बोलते हैं इसे, प्लस हमें इसे अध्यात्म की ओर भी हम इसे खींचते हैं। तो ये दोनों यानी कि दो दूसरे कोने हैं एक दूसरे के, मगर ये जब वॉयलेट कलर होता है तो ये दो दुनिया को जोड़ता है, यानी ये स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म प्लस रॉयल्टी यानी कि आपकी राजाशाही ज़िंदगी को भी जोड़ता है। तो हम पर्पल कलर को ये मानते हैं कि अगर आप पर्पल कलर या बैंगनी कलर अपने जीवन में यूज़ करें तो उसी वजह से आपको भी जैसे हम बोलेंगे कि भाई आपको और भी ग्रोथ मिलेगी, आपकी रॉयल लाइफ होगी, आप थोड़े आध्यात्म की तरफ भी अगर जाना चाहते हैं तो ये वायलेट कलर आपको हेल्प करेगा, उसमें भी आप जा सकते हैं। ये मतलब ये आपके हेल्प करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए है। तो ये कलर्स जो हैं आप अपने जीवन में लाइए, प्लस ये मेरे काम से जुड़े हुए हैं इसके लिए मैंने ये लोगो रखा है। बस मैं ये चाहती थी कि मैं आपको ये लोगों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूं। और अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और कलरफुल होली विश करना चाहती हूं, जो आप सब लोगों ने ज़रूर खेली होगी और आप सब लोग मुझे विश भी कर रहे हैं, जो मैं देख सकती हूं कमेंट्स में।
थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोगों को भी होली मुबारक, और आप लोग बहुत बहुत मन से खेलिए होली। होली एक ऐसा त्यौहार है जो सबको हमें जोड़ता है, हम सबके मन में खुशी लाता है जब हम खेलते हैं होली, और हम एक दूसरे से मिलके हमेशा हमें खुशी होती है। इसीलिए रंगों से भरा यह त्यौहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग है ना, होली को ये एक और बात में भी हम समझ सकते हैं कि होली यानी कि जो बात होली वो ख़त्म हो गई और उसे हम भूल कर आगे बढ़ेंगे। आज होली के दिन हम बहुत मस्ती करेंगे, बहुत खेलेंगे और एक दूसरे को गुलाल से पूरा रंगेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। खाइए पिए मौज कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सब लोगों का मुझे देखने के लिए, यहाँ सुनने के लिए, और आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।